Hello kids, today I will teach you EBS and today we start new chapter Healthy Living in EBS. In previous class, we learned about foods, okay? So I think we revised it again. In previous class, we learned about food, we get food from plants and animals. We need food to live and grow. पिछली क्लास में हम लोगों ने फूड के बारे में पढ़ा था कि फूड जो है वो प्लांट्स एनिमल्स से मिलता है. फूड हमारे जीवित रहने के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे सीडल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस. फूड फ्रॉम एनिमल्स, वैसे फूड्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे काओ, बफेलो, गोट, इनसे हमें मिल्क मिलता है. वी गेट एग्स फ्रॉम डक, हेन. हम लोग को एग डक और हेन से मिलता है. वी गेट मीट फ्रॉम फिश, हेन एंड गोट. इनसे हमें मीट मिलता है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था फूड वी ईट में. तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्दी लिविंग. ठीक है, आई थिंक रिवीजन करने से आपको याद आ गया होगा कि पिछली बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. आई वॉन्डर व्हाट बींग हेल्दी मीन्स. ओके, वेल, बींग हेल्दी मीन्स लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ. हेल्दी लिविंग मीन्स, बींग हेल्दी मीन्स लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, यानी अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करना. ठीक है, आप कैसे कर सकते हो स्वस्थ रहने के लिए? ईटिंग वेल एंड एक्सरसाइजिंग आर इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. खाना और कसरत करना यानी कि व्यायाम करना हमारे सेहत रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. व्हाट डज बींग हेल्दी मीन? बींग हेल्दी मीन्स लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ बाय ईटिंग हेल्दी फूड, एक्सरसाइजिंग एंड फीलिंग गुड. ठीक है, व्हाट इज हेल्दी फूड? हेल्दी फूड क्या है बच्चों? हेल्दी फूड वैसे फूड्स को कहते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें बीमार होने से बचाते हैं. जैसे हेल्दी फूड देखिए क्या है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट, एग्स, चीज़ एंड मिल्क, ये सारे हेल्दी फूड हैं. और अनहेल्दी फूड कौन से हैं? चॉकलेट, क्रिस्प, चिप्स, केक एंड स्वीट्स. ठीक है, कैन वी ईट अनहेल्दी फूड? क्या हम लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं? वी, यस बच्चों, हम लोग तो खाते ही हैं. वी कैन ईट सम अनहेल्दी फूड बट नॉट टू मच. हम लोग अनहेल्दी फूड तो खाते हैं लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने बताया है कि यहाँ पे अनहेल्दी फूड कौन कौन से, जैसे चॉकलेट है, क्रिस्प है, चिप्स है, केक है, स्वीट्स है, या फिर बच्चों हम लोग नूडल्स भी खाते हैं. ठीक है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जंक फूड्स खाना. बट वी कैन ईट सम अनहेल्दी फूड बट नॉट टू मच. लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. वी शुड ट्राई टू ईट लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड. हमें ज़्यादातर स्वस्थ, हम लोगों को ज़्यादातर हेल्दी फूड्स खाने की हैबिट्स डालनी चाहिए. अब आप सोचेंगे बच्चों, मैम ये बार बार क्यों बोल रही कि हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स खाना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि हेल्दी फूड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड? ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स अस टू फील गुड. बच्चों जब हम लोग अच्छा खाना खाते हैं ना, तो इससे हमारा, इससे हमें अच्छा महसूस होता है. ठीक है, ईटिंग हेल्दी फूड स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग इल. जब हम लोग सेहतमंद खाना खाते हैं तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं. अब जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर जंक फूड खाओगे, रोज़ मैगी खाओगे, ब्रेड खाओगे, बिस्किट खाओगे या चिप्स वगैरह खाओगे, तो वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता है. वो चीज़ कभी कभी खाई जा सकती है, हमेशा नहीं. ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, ये सब हेल्दी फूड है. तो ये हम लोग के लिए, ये हम लोग खाते हैं तो इससे हम लोग बीमारी से भी बचते हैं. ईटिंग हेल्दी फूड कैन हेल्प अस टू ग्रो अप बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ईटिंग हेल्दी फूड यानी बच्चों जो हेल्दी फूड है उसे खाने से हम लोग बड़े भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं. एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टू स्टे हेल्दी. बच्चों आपको पता है कि एक्सरसाइज भी हमारे स्वस्थ रहने में बहुत हेल्प करता है. हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे हेल्दी? एक्सरसाइज हेल्प्स आवर हार्ट टू बीट फास्टर एंड पम्प्स ब्लड अराउंड आवर बॉडी.
एक्सरसाइज हेल्प अस टू बर्न फैट, एक्सरसाइज मेक अस फील गुड। बच्चों एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। हार्ट का काम होता है हमारे बॉडी में जो भी ब्लड है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, वो हार्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। इसलिए हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए भी हेल्थ एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है यानी जो फैट होता है वो भी ख़त्म होता है, और एक्सरसाइज करने से हमारा मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है। ईटिंग वेल एंड एक्सरसाइजिंग आर इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, ठीक है। तो खाना और कसरत करना ये दोनों चीज़ें हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम दोनों चीज़ें करते हैं, जैसे हेल्दी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपका असाइनमेंट ये होगा कि आपको 10 लाइन्स लिखनी है बींग हेल्दी पे, ओके। इट मीन्स आपका असाइनमेंट हुआ राइट 10 लाइन्स टू बींग हेल्दी, ओके ओके बाय।